ट्रैवल करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट एड्रेसिंग एन ऑडियंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, और मेरे ख्याल में ये सब लोग कम्युनिकेशन के साथ रात दिन जुड़े हुए हैं एंड दे आर ऑलरेडी बहुत ही कन्विंस्ड है कि इसकी कितनी इफेक्टिवनेस होगी. लेकिन आज आई होप कि आप सबने रियलाइज़ किया कि कितनी ज़्यादा अभी भी स्पेस बाकी है, और उसी में आपकी इनोवेशन, आपका जो इस कॉज के साथ जुड़ना, और आई थिंक हर इंसान में क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं. व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग इन अ सरकारी डिपार्टमेंट, वो हम पहले दिन ही अपनी क्रिएटिविटी और जितनी हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें बहुत गाइड करती हैं, उनको बाय बाय कर देते हैं, बिकॉज वी थिंक 3, 5, 4 बजे तक इट्स द सरकारी माइंड विच इज़ एट वर्क. सर ने एक बात की थी कि जो आज हमारी ऑडियंस का ब्लेंड है, आई जस्ट होप द नेक्स्ट टाइम वी हैव अ मोर ब्लेंडेड ऑडियंस. बट आज भी इस हिसाब से बहुत मेरे ख्याल में प्रोडक्टिव सेशन रहा, बिकॉज वी हैव कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स एज वेल एज DPWs कमिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि नज़दीक भी से दूर से सब जगहों से तशरीफ लाए हैं. विल बी हैविंग सिमिलर सेशंस इन द कमिंग वीक्स, बिकॉज आज हमारा सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की तरफ ये पहली फॉर्मल गैदरिंग थी. इट विल कंटिन्यू टूमोरो, बट इट विल बी फॉलोड बाय मैनी मोर सच इंस्पायरिंग एंड एंगेजिंग सेशंस. उसकी एक वजह यह है कि वी वॉन्ट SBCC कि वो गलियों और मोहल्लों के लेवल से ही ओरिजिनेट हो. मैं जब नई नई आई थी तो मुझे सबने कहा बस आप बना के दे दिया करें, तो वो कोशिश तो हम करते हैं कि जितना भी हम बना के दे सकें, लेकिन दैट्स नॉट द एंटायर स्टोरी. इट हैज़ टू कम अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड गली एंड मोहल्लास. और जो हमारे आज मैडम अभी चली गई, मैडम नायला, उनकी कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट थी. देर वॉज अ फॉर्मल सेगमेंट ऑन द सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन विच वी हैव ऑलरेडी कमिटेड इन द वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम, विच इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ अनपैक हो चुका है, और उसमें वी ऑल नीड टू पार्टिसिपेट. ऑलरेडी हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि बजटिंग जो आपको चाहिए इन द कंसर्न हेड्स, वो हमें आप आइडेंटिफाई कर दें. वो हमारे पास जितने भी एस्टिमेट्स आए उनको मैंने स्टडी किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप उससे बेहतर एक उसको कर सकते हैं. इन द ईयर्स टू कम वी हैव टू इंडिकेट बजट्स फॉर द 4 ईयर्स प्रोग्राम, नॉट जस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. और फर्स्ट ईयर में भी चूँकि लास्ट 4 मंथ्स आर लेफ्ट, तो आई थिंक उसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लें. और जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ फिट इन होती है, उसके बेस्ट जज आप सब खुद हैं. एंड आई वुड लाइक कि आपका सबका जो एक्सपीरियंस है और इस टॉपिक के साथ आप रात दिन जुड़े हुए हैं, बिकॉज जैसे सर ने कहा कि DGs और सेक्रेटरीज दे मे कम एंड गो आफ्टर 10 ईयर, बट आप तो चूँकि परमानेंट पार्ट हैं इसमें पॉपुलेशन के अंदर, तो आपका जो एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसका एक बेस्ट डिस्प्ले आप कर सकते हैं व्हेन यू डिज़ाइन योर ओन सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन. और उसमें हमेशा एक आई थिंक आखिरी बॉक्स रखें जो कि इनफिनिट वाला बॉक्स हो, बिकॉज इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसकी कोई बॉटम भी नहीं है. इट कैन बी इंस्पायरिंग, इट कैन बी हेमनली, इट कैन बी अर्थली. इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने नॉलेज को, अपने जो रोज़ के ऑब्जर्वेशन को, डेटा को, और अपने जो जिन भी इज़ला में आप काम करें, जिन तहसीलों में आप काम करें, और उन तहसीलों में जो यूनियन काउंसिल है उसमें जो रेलिवेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है. नॉर्मली वी यूज़ द टर्म टारगेटेड टारगेटेड. आई थिंक फैमिली प्लानिंग में सब कुछ भी टारगेटेड है, बट अनटारगेटेड को भी बेनिफिट जा सकता है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ टारगेटेड एंड व्हाट इज़ नॉट रियली टारगेटेड, बट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. तो बहुत सारी वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं जिससे लोग बेनिफिट उठा सकते हैं. सो आई थिंक इस सब पे आप काम करें. ये साइंस भी है, आर्ट भी है, सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, और कम्युनिकेशन साइंसेस भी है. एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ इट पुट टुगेदर. ये न्यूरो साइंस भी हो सकती है और ये बिहेवियर इकोनॉमिक्स भी हो सकती है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस नज़रिए से, किस एंगल से, और किन डिलीवरेबल्स को जेन में रख के इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं. जस्ट द लास्ट पॉइंट, मैं मुझे रिसेंटली एक ग्रुप का चेयर करने का ऑनर दिया गया बाय द फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज़ रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन फॉर SBCC एट द फेडरल लेवल, नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसमें जो बाकी PWDs हैं, बाकी प्रोविंसेस के, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. मेरे लिए इसलिए पर्सनल एक ऑनर की बात थी, लेकिन उसमें वो क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने पिछले मेरे ख्याल से आई मस्ट से एक साल, नॉट 15 मंथ्स, इसमें जो जान भरी है उसकी ट्रेमर्स दूर दूर तक फील हो रही है.
सो आई एम ग्रेटफुल आप सब भी डेली इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब तो मैं हर ज़िले का बता सकती हूँ कि कौन कितना प्रोएक्टिवली देख रहा है, कौन थोड़ा कम एनर्जी से कर रहा है लेकिन वो भी कैचअप कर सकता है. और इसमें सबको क्रेडिट जाता है. आई थिंक DPWOs ने जब इसको पर्सनली सुपरवाइज करना शुरू किया तो वो मच नीडेड एक्टिविज्म एंड एनर्जी वॉज एडेड इन टू इट. बट स्टिल इट्स अ टीम वर्क. वी शुड नेवर मिक्स इट विद के DPW कैन डू द वंडर्स. इट्स अ टीम वर्क. इसमें आपके मोटिवेटर्स, मोबिलाइजर्स, नो मैटर वो इस वक्त एज की कौन सी ब्रैकेट में है, नो मैटर उनको कितने दिन लगते हैं इसको पिक करने में, लेकिन उन सब में पोटेंशियल पाया जाता है. ज़िंदगी भर वो यही काम करते रहें और बहुत सक्सेसफुली करते रहें. इट्स जस्ट कि अब ज़रा डिमांड चेंज हो रही है और मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहे हैं. बट आई रिमेंबर माय फादर, जब सबके पास घर में स्मार्टफोन आ गया तो माय फादर सेड तुम सबसे बड़े वाला स्मार्टफोन मैं खरीद के लाऊंगा अपने लिए. एंड ही वॉज एबल टू पिक इट अप विद इन नो टाइम. और ये सब मेरे अबू ने किया जब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुके थे. तो मेरे तो अपने घर में एक मिसाल मौजूद है कि फॉर द लास्ट 10 years ऑफ माई फादर्स लाइफ ही वॉज एन एक्टिव यूज़र ऑफ स्मार्टफोन एंड ही हैड हिज ओन अकाउंट्स ऑन नियरली ऑल द एप्स. तो इफ 65 years प्लस पर्सन कैन डू ऑल दिस, आई थिंक वेयर देर इज वेल देर इज वे. इट इज़ एज सिंपल एंड इसमें कोई ज़्यादा मैजिकल या इसमें कोई रिसोर्सेज या उसकी बात नहीं है. शौक से, जज्बे से आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा रीडायरेक्ट फॉर्मलाइज करने की और ज़रूरत है. वी ऑल अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इट. जितना आपने किया है, मतलब हल्के हल्के से भी किया है और कोई एक्स्ट्रा बजटिंग से भी नहीं किया है, तो ऑलरेडी आपके ज़िलों से भी मुझे फीडबैक आ रहा होता है आपका महकमा बहुत तेज़ हो गया. वो तेज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग तेज़ हो गए, क्योंकि वो आउटपुट नज़र आ रहा है. बज़ाहिर कहने को एक बहुत सादी सी वीडियो होती है जिसमें वो बात करती हैं कि आज समाजी मुसावात का दिन है. मेरा नहीं ख्याल हमने कभी ज़िंदगी में सुना था कि 20 फरवरी समाजी मुसावात का दिन होता है. बट जब मुझे झंग से या मियाँ वाली से या कहीं से मैं किसी मोटिवेटर की गुफ्तगू सुनती हूँ तो मुझे भी पता चलता है आज फला दिन है. तो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. तो आई थिंक इस खूबसूरती को कायम रखने की अच्छा ज़रूरत है. सो टमोरो इज़ अगेन अ फॉर्मल डे. आई एम जस्ट होपिंग सेक्रेटरी साहब विल ऑल्सो ज्वाइन. आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, उसकी वजह से वो आ नहीं सके, बट ही वॉज कम्प्लीटली पोस्टेड ऑन टूडेज प्रोसीडिंग्स. सब उनके अप्रूवल और नॉट से हुआ. एंड पे अगर मैं बहुत सारे ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस ना करूँ तो ये बहुत ही मतलब नालायकी होगी. आई एम थैंकफुल टू स्टार्ट फ्रॉम ड्रीन सा की पूरी टीम, बिकॉज डॉक्टर साहब सिर्फ आ जाए शो स्टॉपर बन के. पहले इनकी पूरी टीम वॉज इंगेज इन टू थरो डिलीब्रेशन प्रोसेस. आज जिन मैडम ने आपको यहाँ पे एड्रेस किया उनकी सिलेक्शन, टमोरो वी विल हैव अनदर मैडम विद अस. इन्होंने चाची का मेरे ख्याल में शी वॉज वेरी ग्रेसफुल, तो हमारी चाची तो इतनी ग्रेसफुल नहीं है. एंड शी वॉज रियली लर्निड. आई थिंक उनके एक एक पॉइंट में आपके लिए, वो कहते हैं ना पर्ल्स ऑफ विजडम विच कम्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. इसके अलावा आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल द पैनलिस्ट हु टुक टाइम आउट टू कम हियर ऑल द वे. वो जब रिसीव कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम स्टार्ट हुए थे, बेस्ट पार्ट लाइज इन द स्टार्टिंग ओनली. बट आई जस्ट विश कि मैं बस और टाइम होता तो उनकी हम गुफ्तगू और सुनते, लेकिन चूंकि टाइम कम है मुकाबला सख्त, सो पैनल टॉक अच्छी थी. कुड बी मोर इलैबोरेटिव, लेकिन फिर यही ज़िंदगी का मसला है कि हमारे पास सबके पास टाइम शॉर्ट होता है. और उसके बाद मिस हीरा वो कंडक्टेड द एंटायर प्रोग्राम सिंस मॉर्निंग. मेरे ख्याल में सबसे पहले यही हॉल में आई थी आज. और हमारी अपनी हिना को तो हम भूल ही जाते ना, हिना चली गई हैं पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम में. बट मैं इना को जब भी देख लूँ तो मुझे याद आता है कि ये तो हमारी टीम का हिस्सा है. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू डायरेक्टर टेक्निकल मैडम सुद्धा, हमारी जो डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मैडम बुशरा. दो द टॉपिक वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन आई थिंक स्टिल मैडम ने पूरा दिन दिया यहाँ पे. दैट शोज द सिंसेरिटी एंड द कमिटमेंट विद द टॉपिक. एंड आई एम श्योर मैडम ने इन्जॉय भी किया क्योंकि वो बैठी रही. डॉक्टर नाइला का भी बहुत शुक्रिया. आई होप शी ज्वाइंस टुमारो, बिकॉज वो जो DLIs हैं, DLRs हैं, जो वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के, जिसको हम अब अनपैक करना चाह रहे थे, जिसके कंटूर्स अब ज़्यादा प्रोमिनेंट और हमें भी अब ज़्यादा कहते ना पल्ले होने होता पे है. सो वी रियली वॉन्टेड टू उसको हम सब आपको उसके ऊपर अच्छी सी एक ब्रीफिंग दे सकें. सो टुमारो आई होप वी विल हैव दैट सेशन. और इसके अलावा आई होप आई एम नॉट मिसिंग, यस, गोल्डन थॉट की टीम. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू DGPR की पूरी टीम,
नाजिम साहब इज़ नाउ पार्ट ऑफ आर टीम, सो उनको मैं अपनी जी पी आर कंसिडर नहीं करती. ही विल मेक श्योर द प्रिंट पार्ट ऑफ टूडेज कवरेज गोज इन टू न्यूज़ पेपर्स. द ग्रुप फोटो विच वी हैड टूडे, आई डोंट बी सरप्राइज इफ यू सी योर सेल्फ इन द पेपर टूमोरो. सो आप सब उस ग्रुप फोटो में आ जाएंगे. इसके बाद दिस इज लाइक फॉर्मली कॉलिंग इट ऑफ फॉर टूडे. सो प्लीज़ कम टूमोरो नाइसली ड्रेस्ड अप द वे यू वर टूडे for the pictures and rest of the you know. I think Rab sahab aapka kal hai ki nahi, Dr sahab nahi hoga, I think kal pe dekh le aapki, jaldi hum finish karenge kyunki juma hai, all of you have to travel back. Aur iske ilawa agar aapke paas koi bhi aaj participate karna chahe ya mere se zyada end isko acche se karna chahe to please feel free to use this space. Aur agar nahi, Dr sahab aap na, madam Rahul Pindi aaye zara. फैसलाबाद और सब कसूर शेखोपुरा बहुत नज़दीक है इसलिए उनको हम स्किप करते हैं. मैडम हैज़ कम फ्रॉम रावलपिंडी. मैडम एक मिनट लें, जस्ट कंक्लूड इट नाइसली एंड फिर इंशाल्लाह वी विल सी एवरीवन टुमारो. थैंक यू मैम. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस ऑनर टू स्पीक ऑन दिस वेरी हाई फॉरम. एक्चुअली ये है कि डॉक्टर साहब से मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ पेशा से, और इनका जो बात करने का तरीका होता है वो मतलब इतना इंगेजिंग और इतना खूबसूरत होता है कि हर दफ़ा बंदा इनकी बात के साथ साथ इनकी शख्सियत के सहर में भी मुब्तला हो जाता है. और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आज हमने देखें, हम सब ने ही बिहेवियर साइंस पढ़ी हुई है, सब के सब ने, बिकॉज हम मोस्टली हम सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं और सोशल साइंसेस के लोग हैं. लेकिन इसको दोबारा से जो है हमें दोबारा, मैडम बुशरा मेरी बात को वो करेंगे कि दोबारा हमें एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यूज़ और इन चीज़ों की तरफ, बिलीव्स की तरफ लेके जाना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें समझ आ जाए कि ये जो बिहेवियर चेंज है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये इतना आसान नहीं है. और डॉक्टर साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक्नॉलेज भी किया, हमारी तारीफ़ भी की. और इससे क्या होता है कि मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे अंदर एक दोबारा से एनर्जी पैदा हो जाती है कि जब हम, हमें जब एक्नॉलेज किया जाता है, ये बात नहीं है कि हम दूर से आए हैं या नज़दीक से आए हैं, असल चीज़ ये है कि हमें जब इतना ऑनर दिया गया और हमें री एनर्जाइज किया गया है तो हम जब जाते हैं दोबारा तो हम नए सिरे से शुरू हो जाते हैं कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इंशाल्लाह मैडम आप चाहे इस डिपार्टमेंट में हो या ना हो, लेकिन जो आपने शमा रोशन की है इंशाल्लाह ताला हम सब और मेरे आने वाले बाद भी इसको लेके इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सो थैंक यू वेरी मच. एंड मैडम बाद में अलग तरीके से बात हो रही होगी, हिंदू कम्युनिटी जो सक्कर की है वो एक उसको अलग तरीके से परसीव करती है, कराची वाले उसको अलग तरीके से रिएक्शन दे रहे होंगे. तो ये काम बिहेवियरल साइंसेस का है और अब तक सब फेलियर की सबसे बड़ी वजूहत क्या, वजह क्या है कि लोगों के स्पेसिफिक कस्टमाइज मैसेजेस नहीं बन रहे. वी आर ट्राइंग टू गिव एवरी वन द सेम नंबर पाना, बोलिए सेम नंबर पाना, उससे काम नहीं होना. बात समझ में आ रही है दोस्तों? Raise your hands के social behavior change communication समझ में आ रही है? Come on, ये आसान काम है, जो जितने लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है. Come on, raise your hand. ये औखा काम है, ये हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे का काम नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बिहेवियरल साइंटिस्ट है, बोलिए मैं बिहेवियरल साइंटिस्ट हूं, बोले मैं बिहेवियर, अपना अपना मकाम पहचानने की कोशिश करें. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लीज आई डोंट वॉन्ट यू टू फील गुड. सिर्फ आपको अच्छा करने के लिए, मुस्कुराने के लिए, मुस्करवाने के लिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा. आप वाकई बहुत औखा काम कर रहे हैं. मैं नहीं कह रहा हूं, चाची कह के गई है, टीबी के पेशेंट को देखी गए, कह के गई है कि नहीं कह के गई है? शी इज ए ग्लोबल साइंटिस्ट वर्किंग ऑन टीबी. वो तो ये भी कह रही है, क्लाइंट ना कहो, टीबी सस्पेक्ट ना कहो, इस तरह से पेशेंट वो कहता है. मसलन टीबी एक हेपेटाइटिस के बाद कुछ दिनों पहले महरम हमारे दोस्त बैठे हैं, फिरोसंस में होते थे, इनकी सुवाल्डी और दूसरी प्रोडक्ट्स होती थी. ये इस कंपनी ने बड़ा काम किया हेपेटाइटिस के ऊपर. हेपेटाइटिस आप मौत का शिकार बन जाते हैं, ये एड लोगों ने देखना छोड़ दिया. राइट, बोलिए ए खुदा मेरे अब्बू, कम ऑन, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे. इसमें पहले एड दिखा रहे हैं, वो एड फेलियर हुआ. जिंगल याद है, एड फेलियर हुआ. क्यों? उसको देखते ही लोग घबरा जाते थे, बंद करो, क्योंकि उससे क्या, पहला पूरा फैमिली बैठी हुई है एड देख रही है. राइट, उसको पहले अब्बा जाने वाले हैं.
अब्बा जाने वाले हैं, सब अब्बा को देख रहे हैं, अब्बा हैं भी कि गुजर गए कि नहीं गए। और अब्बा अब्बा को आजकल क्या, अब्बा का दूसरा नाम क्या है? एटीएम मशीन। अब्बा का नाम क्या है दरअसल में, तखल्लुस क्या है उनका? एटीएम। बाप की उसी को जरूरत होती है ना, तो वो कह रहे हैं अब्बा प्लीज सलामत रहें क्योंकि हमें एटीएम मशीन है, आप हमारी, आप कहीं ना वो चले जाएं उसमें। फियर इज नॉट ए वेरी गुड एलिमेंट, होप दिलाना है। आपने क्या कहना है? हेपेटाइटिस काबिले इलाज है। बोले हेपेटाइटिस काबिले इलाज है। आप एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं, आपका जिंदगी पे कंट्रोल हो सकता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? कितनी नाजुक है ये बातें, कितनी नाजुक है, और हम उनको बरतना ही नहीं जानते। इसीलिए आपका डिपेंड, बार बार इसलिए रबिन कर रहा हूं, एक आदमी एक जिंदगी में सिर्फ 5-10% इंटेलेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। पूरी कौम का टाइटैनिक जहाज का रुख मोड़ने के लिए उस डिपार्टमेंट में 2-3 लोग या 5-6 लोगों की टीम वो काम नहीं करते थे। जब तक वो नहीं समझेंगे कि दे आर इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर्स, और बिहेवियर आइसबर्ग की तरह बहुत खतरनाक चीज होती है। जिंदगी के समंदर में लोग लोग नहीं होते, जो कुछ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, वो सिर्फ क्या है उनका बिहेवियर। ये एंकर्ड है किस चीज में, किस चीज में, किस में, एटीट्यूड में। और एटीट्यूड गड़े हुए होते हैं किस चीज में, वैल्यूज। और वैल्यूज किस में, और अगर आप ये चेंज करना चाहती हैं तो आप एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करेंगी, और वो पहले क्या चीज का शिफ्ट करेंगे, उनका पैराडाइम। व्हाट इज अ पैराडाइम, कम ऑन, पैराडाइम को उर्दू में क्या कहते हैं? जाविया नजर, उनके सोचने का, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका क्या है। और वो बोलिए, रोशनी के जावियों पे मुनहसर है जिंदगी, आपके बस में नहीं है आपका साया यहां। दोस्तों, दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड दैट आई एम गोइंग टू लीव यू विथ, और इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है कि सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, क्योंकि किसी न किसी रिसर्च के थ्रू आपने ये पता चलाया कि हमारे यहाँ शराय अम्बात, माओं की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की वजह सबसे ज्यादा मुतवातर प्रेगनेंसीज हैं। माओं की रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह क्या है? उनकी बार बार प्रेग्नेंट हो जाना, राइट? तो ये इस मसले को आप हल करना चाह रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्डम एड नहीं चलाना है, आपने माओं की शराय अमवात और शराय बीमारी को कम करना है। मुतवातर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बार बार प्रेगनेंसी होने से उसकी जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है। 60% ऑफ द वुमेन आर एनेमिक, 80% ऑफ वुमेन आर वाइटामिन डी डेफिशियंट, 55% आर कैल्शियम डेफिशियंट। ऐसा है कि नहीं है? बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से उस औरत का जिस्म क्या हो जाता है? बिल्कुल खोखला पिंजर हो जाता है। एंड इन फिफ्थ और सिक्स प्रेगनेंसी शी इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ पोस्ट, बोले पोस्ट पार्टम हेमरेज, बोले पोस्ट। सो फैमिली प्लानिंग हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन है, जो कि ये डिसाइसिवली शो कर सकी है कि आप रिड्यूस कर सकते हैं क्या, माओ की शरह अम्बात और शरह बीमारी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये हमें बचपन में हमारे स्कूल में सिखाते थे। किस क्लास में सिखाया था हमने ये सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? पहली क्लास में कौन कौन गया हुआ है? रेज योर हैंड, अगर नहीं गए तो कोई मसला नहीं है। पहली ये कायदे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहले तोलो फिर बोलो, बोले पहले तोलो फिर बोलो, यानी पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो और फिर मुंह खोलो, isn't it? वरना आप एड बना देंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, कहना कुछ चाहते हैं, प्रॉब्लम कुछ और है, और ऑब्जेक्टिव कुछ और सेट होगा, तो आपका स्ट्रेटजी ऑफ कम्युनिकेशन कभी सही नहीं हो सकता। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अच्छा जी, उसके बाद जो बंदा बात कर रहा है उसने कभी एविडेंस नहीं देखा, उसने जिंदगी में कभी दो लोगों से कम्युनिटी लेवल पे समुद्री के इलाके में किसी गांव में दूर उफ्तादा किसी ठिए पे बैठ के किसी ढाबे पे बैठ के किसी कपल से बात नहीं की, किसी मेल को काउंसिल नहीं किया, किसी फार्मासिस्ट या केमिस्ट को नहीं इंगेज किया, जब उसने जिंदगी को वहां से देखा ही नहीं, वो स्ट्रेटजी क्या बना रहा है? और आज हम क्या कह रहे थे यार, एक चीज हुई है कि यहां पर होना चाहिए था किसको? सर्विस प्रोवाइडर्स को होना चाहिए था। यहां पर 4-5 औरतें भी शायद, हमारा शायद टाइम कम था या रिसोर्सेस कम थे, वरना कितना इस महफिल को 4 चांद लग जाते। यहां पे 60% यूथ अगर पाकिस्तान में, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते, इंशाल्लाह अगली मर्तबा आई एम श्योर समवन इज थिंकिंग दैट हाउ टू इंगेज देम, इजंट इट? बोलिए घायल की गत घायल जाने, कम ऑन, घायल की गत
घायल जाने और न जाने कोई, जख्मी कैसे होता है, उसकी क्या हशर हुआ है, ये वो ही मानता है इसको डंडे पड़े होते हैं, इज़न्ट इट? दूसरा कोई बता सकता है? तो जिसका मसला है उसका इस कमरे में होना बेहद जरूरी है। तो आपके यूथ है वो, इज़न्ट इट? वो औरत है और वो एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन तीनों का तो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो सेंडर, इफ यू आर नॉट सोर्स, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड, इफ यू आर नॉट ट्रेन, इसकी वजह से भी वो बिहेवियरल चेंज एजेंट के तौर पे काम नहीं करेगा। हमने क्या कहा है कम्युनिकेशन की, सोशल बिहेवियरल कम्युनिकेशन में डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू गेट कमन, इट प्रोसेस टू गेट, जोर से, यू गेट थिंग्स डन। और जब कभी ऐसा नहीं होगा इसका मतलब है कि वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि वो चाची क्या गई है कि होलिस्टिकली बहुत सारे फैक्टर्स अवामिल पे, आइडियाज पे, परसेप्शन पे, बिलीव्स पे, इमोशंस पे, कम्युनिटी की, इंडिविजुअल की, सोसाइटी की, सर्विस प्रोवाइडर की, और एडवोकेसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की, इन तमाम के असरात के तहत अगर बात करेंगे तब तो तब्दीली आएगी, वरना तब्दीली, डू यू ऑल एग्री विद दैट? ओके, उसके बाद क्या है जी, सेंडर इज गोइंग टू इनकोड, सेंडर इज गोइंग टू इनकोड। आप किसी चाची को कब्ज था, उसको लिख के दिया एनल सपोजिटरीज, बत्तियां, राइट, पखाने की जगह डालते हैं उसको, उसने लिखा वन एच एस। तीन हफ्ते बाद चाची आई, कह लेंगे बेटा मैं रोज आना चपाती के साथ बत्तियां लगा के खा रही हूं मगर मेरा कब्ज नहीं टूट रहा। जूते किसको पढ़ने चाहिए? डॉक्टर साहब को। क्यों? क्योंकि उस चाची के लेवल पर वो डॉक्टर नहीं हुआ, तो वो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन या कंप्लायंस कभी भी नहीं होगी। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, कम ऑन, को कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जिद मलायक हूं, मुझे इंसान रहने दो। मैं मस्जिद मलायक हूं, इंसान से इंसानों की तरह उसके लेवल पे आके उसके शरफ, उसकी अकल के फहम के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। तो इनकोडिंग गलत होगी तब भी। फिर हम अखबार में ऐड दिए चले जा रहे हैं, हम पीटीवी पे ऐड चला रहे हैं, लोग किस चीज पे, टिकटॉक पे, राइट, वो किस चीज के ऊपर है, स्नैपचैट के ऊपर है, वो यूट्यूब के ऊपर है। आपने गलत मीडियम होगा तब भी वो बिहेवियरल चेंज कभी भी वाकई नहीं होगा। फिर क्या है जी, किस चीज है जी, वहां जो आई है वो अपनी सास के साथ आई हुई है, नंद के साथ आई हुई है, वो कॉन्स्टेंटली उससे देख रही है डॉक्टर साहब उसके साथ क्या मशवरा हो रहा है, कभी कम्युनिकेशन हो सकती है? प्राइवेसी के बगैर वो कभी अपने दिल की बात कहेगी? तो डिकोडर का माइंड किस चीज की जिम्मेदारी है? सर्विस प्रोवाइडर की। वो जिम्मेदारी है उस सिस्टम की जो कि वो चला रहे हैं उसको। तो डिकोडर के माइंड की या रिसीवर के माइंड की भी जिम्मेदारी किस पे है? उस चेंज एजेंट के, और आप बिहेवियरल चेंज एजेंट हैं। फिर कम्युनिकेशन में कहां गलती हो सकती है ये बताइए, रिसीविंग, लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क है जी? सुनना, गौर से सुनना, और गौर से नहीं सुनना, वो आम जो आता है। हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हियरिंग, इस वक्त आवाज चल रही है, कोई आदमी खांस रहा है, मैं तवज्जो नहीं दी मगर खांसी की आवाज आई, ये हियरिंग है। लिसनिंग इंटेंट के साथ, और लिसनिंग उस वक्त तक नहीं आती है जब तक कि आप मरीज को या मरीजा को, ये उस खातून को, ये उस साहब को ये नहीं बताते व्हाट्स इन इट फॉर हिम। बोले व्हाट्स इन इट फॉर हिम, पंजाबी में क्या कहते हैं, इसमें साढ़े वास्ते क्या है, इसमें तोड़े वास्ते क्या है। बीवी तुम्हारी जो सांस फूल रही है, बाल गिर रहे हैं, बाल चिर रहे हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के हैं, जरा सा काम करती हो इसकी वजह से कि तुम्हारे तीन बच्चे मुतवातिर हुए हैं, तुम्हारे जिस्म में जो कुछ कमी हो गई है उसकी वजह से ही हो रही है, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है, अब उसकी समझ में आएगी बात, वो रिलेट कर पाएगी। जब वो समझ में आएगी कि इसमें मेरे लिए क्या है, तो उसके समझ में आएगा कि मैंने ये कैल्शियम की गोली बाकायदा लेनी है, मैंने अपना इंजेक्शन मिस नहीं। अगर मैं, इफ वी कुड जस्ट हैव आवर स्टैंडिंग ओवेशन, सर बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली सर इस डे के लिए, चूंकि कराची से तशरीफ लाए।